सुप्रभात कक्षा पांचवी। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ छः कारक वाला पाठ पढ़ेंगे। तो आपको इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, सबसे पहले जानना होगा कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने प्रकार हैं और कारक चिन्ह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप देखेंगे कारक की परिभाषा। तो कारक की परिभाषा किसे कहते हैं, अर्थात कारक किसे कहते हैं। जिन शब्दांशों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है वे कारक कहलाते हैं। कहने का मतलब कि संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम का को किससे जोड़ना, क्रिया के साथ जोड़ना। संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ना ही कारक कहलाता है। तो देखेंगे कारक के आठ प्रकार होते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्म कारक, चौथा संपदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवा संबंध कारक, सातवा अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। तो ये जो आठ कारक हैं, आठ कारक के चिन्ह भी हैं। लेकिन आज हम आपको सिर्फ चार कारक के बारे में बताएंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपदान कारक। सबसे पहले आप ये बताएं, कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, ने, कर्ता ने। दूसरा जो कर्म कारक है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए। तो आपको पता चला कारक के प्रकार और कारक के चार प्रकारों का आपको विभक्ति चिन्ह। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक का मतलब होता है कि जो क्रिया करने वाला व्यक्ति हो, मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति हो, जो क्रिया कर रहा हो, काम कर रहा हो, वो कर्ता कारक कहलाता है। जैसे उषा ने खाना खाया, तो आप देखिए इसके में कारक चिन्ह है ने। आपको कर्ता कारक के बारे में बताया जा रहा है कि क्रिया करने वाले को, जो काम करने वाला व्यक्ति है, वही कर्ता कारक कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा है उषा ने खाना खाया, तो ने क्या है, ये कारक चिन्ह। अगर हम बोले मैंने खाना खाया तो भी ने क्या होगा, कारक चिन्ह। तो आप इसके जो भी उदाहरण होंगे इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया होगा। अब दूसरा क्या है, करण कारक, कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, जिस शब्द पर कोई भी क्रिया हो, जो हो उसका फल जिस शब्द के ऊपर पड़े, कोई भी क्रिया हो रही हो और उस क्रिया का फल जिस शब्द के ऊपर पड़ता है वही क्या कहलाता है, कर्म कारक। इस कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होगा, को, कर्ता ने कर्म को। तो कर्म को आप देखेंगे अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो को क्या है, कारक चिन्ह। किसका कारक चिन्ह है, कर्म का। तो पढ़ाती है, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द के ऊपर पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। तो बच्चों के ऊपर पढ़ रहा है कि पढ़ा किसको रही है, बच्चों को, इसलिए इसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे माँ बच्चों को खाना खिलाती है। तीसरा क्या है, करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, विभक्ति चिन्ह से। तो से करण कारक किसे कहते हैं, जिस साधन के द्वारा जो कार्य किया जाता है, हम जैसे कोई कार्य कर रहे हैं तो जिसका हमने साधन दिया हो वो क्या कहलाएगा, करण कारक। तो जैसे लिखा है राधा कलम से लिख रही है, तो से कारक चिन्ह हमने देखा, लेकिन राधा किससे लिख रही है, कलम, उसका सहारा क्या हो गया, कलम। तो करण कारक का मतलब क्या, जिस साधन के द्वारा, जिससे हम कार्य कर रहे हैं। जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे कि चौक पड़ा है, तो हम किसके द्वारा लिख रहे हैं, तो मेरा साधन क्या हो गया, चौक खड़े। तो आपको समझ में आया, राधा कलम से लिख रही है, तो करण कारक का चिन्ह क्या है, से। और इसमें क्या बात बताई गई है कि जिससे का आपने साधन दिया हो, जिसके द्वारा आप काम कर रहे हो, वही क्या कहलाता है, करण कारक। जैसे रामू ब्रश से
तो ब्रश उसका सहारा हुआ क्योंकि वो ब्रश के द्वारा उसमें रंग भर रहा है। चौथा क्या है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के ये। अब आपको जानना है कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं, तो देखिए संप्रदान कारक से किसी व्यक्ति के कुछ कार्य करने या कुछ देने की बात पता चले कि वो व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है या किसी को कुछ दे रहा है, इसका जब बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। कारक चिन्ह का चौथा प्रकार है संप्रदान कारक। तो देखिए कैसे राजा गरीबों को वस्त्र देता है, तो आप देख रहे हैं किसमें किसी के लिए कुछ करने की बात बता रहा है कि राजा गरीबों को वस्त्र देता है। दूसरा, मैंने सहेली के लिए उपहार खरीदा। आप देख रहे होंगे इसमें कारक चिन्ह के लिए आया है लेकिन इसमें कारक चिन्ह के लिए नहीं आया है, तो हमने आपको बताया ना जिस वाक्य से ये पता चले कि किसी के लिए कुछ किया जा रहा है या किसी को कुछ दिया जा रहा है, तो आपको इसमें कारक चिन्ह आए या ना है लेकिन ये बात तो पता चल रही है कि राजा किसी के लिए कुछ कर रहा है। और इसमें मैंने सहेली के लिए उपहार दिया, इसमें कारक चिन्ह आ गया, तो ये दोनों उपहार चिन्ह है, दोनों बातें इसमें आती है। तो आज